टीवीएस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्नोफॉल प्रेडिक्शन बताने वाला हूं, इंडिया के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशंस और डेस्टिनेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा मनाली, श्रीनगर, औली, शिमला और नैनीताल में 14 फेब से लेकर के 28 फेब के बीच में कब कब स्नोफॉल गिरने वाली है। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं होली की छुट्टियों में और उसके बाद समर वेकेशंस में, तो आपको कौन कौन से डेस्टिनेशन को प्रीफर करना चाहिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे अटल टनल में अभी एंट्री की क्या कंडीशन है, मनाली में किस टाइम आपको रोहतांग पास खुला मिलेगा, कश्मीर में स्नोफॉल कब तक बनी रहेगी, आप किस तरह से दिल्ली से मनाली रोडवेज बस से पहुंच सकते हैं। ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी को हासिल करने के लिए YT भारत चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस, फोटोग्राफ्स डायरेक्टली इंडिया के अलग अलग हिल स्टेशन से देखिए, जानकारी हासिल कर लीजिए और YT भारत के थ्रू वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर के साथ पैकेज बुक करवा के, जैसे ये लोग बुक करवा करके एंजॉय कर रहे हैं, जाइए हो करके आइए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मनाली के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों मनाली में फेब के मंथ में अब जो स्नोफॉल पड़ने की संभावना है वो सबसे ज्यादा संभावना है 25, 26 और 27 फेब के दिन। 24 तारीख को जो पड़ने की संभावना है वो बारिश पड़ने की संभावना है। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रात के टाइम हो सकता है स्नोफॉल पड़े, लेकिन 25, 26, 27 फेब को प्लान बना लीजिए, मैक्सिमम संभावना है स्नोफॉल पड़ने की। अब बात करते हैं, चलते हैं जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में स्नोफॉल पड़ने की कम संभावना है 25 और 27 फेब को, और सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है 23, 24 और 26 फेब को। दोस्तों फिर से बता देता हूं, 23, 24 और 26 फेब को सबसे ज्यादा संभावना है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में स्नोफॉल पड़ने की। अब आइए चलते हैं इंडिया के बहुत ही खूबसूरत अगले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है उत्तराखंड में औली, जोशीमठ के पास। यहां पर स्नोफॉल जो पड़ सकती है वो कम संभावना नहीं है, प्रबल संभावना बनी हुई है 23 से लेकर के 27, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27 के दिन औली में कभी भी स्नोफॉल पड़ने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। अब चलते हैं हिमाचल के शिमला में, तो इस साल बहुत ही कम स्नोफॉल पड़ी है और अब तो 14 से लेकर 28 फेब के बीच में स्नोफॉल पड़ने की संभावना बिल्कुल खत्म है। अब वापस चलते हैं उत्तराखंड और नैनीताल के बारे में बात कर लेते हैं। सेम सिचुएशन है, ना के बराबर संभावना है नैनीताल में भी उत्तराखंड के कि अब स्नोफॉल पड़े, क्योंकि निचले इलाके हैं तो यहां पर कम संभावना होती है। और अगर आपको इसके अलावा किसी और डेस्टिनेशन के बारे में स्नोफॉल प्रेडिक्शन पता करनी है तो YT भारत चैनल पर कमेंट करें, कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि मार्च में कब तक स्नोफॉल पड़ती है इंडिया में, तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों मनाली, श्रीनगर, औली जैसे हिल स्टेशंस में मार्च के फर्स्ट वीक में ही स्नोफॉल पड़ती है, हद से हद 10 मार्च तक खिसती है, और उसके बाद अगर आप स्नोफॉल गिरी हुई का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कश्मीर जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छी गिरी हुई स्नोफॉल जमी हुई मिलेगी, जहां पर आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं गुलमर्ग के अंदर खास करके स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। तो आपको जो स्नोफॉल पड़ी मिलेगी अच्छी खासी वो मार्च, अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक तो मिलेगी ही मिलेगी आपको इन चार जगहों पर जम्मू एंड कश्मीर के, तो आप जाइए और एंजॉय करिए इन जगहों पर। मनाली की अगर आप बात करें तो मनाली में जो स्नोफॉल गिरी हुई मिलती है वो मिलती है आपको मई 15 के बाद, रोहतांग पास खुलने की संभावना बन जाती है, और अगर रोहतांग पास ओपन मिलता है तो आपको रोहतांग पास के आसपास गिरी हुई स्नोफॉल मिलती है, जहां पर जाकर के आप स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उस वजह से आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रख कर के ही जाइएगा। अब बात कर लेते हैं अटल टनल
के बारे में, तो अटल टनल अभी खुली हुई है, जब तक स्नोफॉल नहीं पड़ेगी अटल टनल का सफर आप कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए YT भारत चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे। मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री।